Okay, welcome everybody again in the PN study group classes for science and I am RP Singh with you. आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिस टॉपिक पे हम लोग ने क्लास को ड्रॉप किया था. हम लोग ने ओम्स लॉ पढ़ा था. ओम्स लॉ में हमने ये जाना कि किस तरीके से करंट का या करंट का रिलेशन कैसे आपके वोल्टेज के साथ होता है या रेसिस्टेंस उसमें कहाँ से आ जाता है, रेसिस्टेंस का ग्राफ कैसे डेवलप करते हैं. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसके आगे यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर से, यानी कंडक्टर मान लीजिए कि वायर कितना लंबा है कितना छोटा है, ठीक है, उसकी मोटाई कितनी है, कितनी मतलब कितना पतला है कितना मोटा है, गर्थ ऑफ द वायर क्या है, थिकनेस क्या है उसका, ठीक है, उससे कोई रिलेशन है कि नहीं रेजिस्टेंस का, और उससे किसी नए चीज का जन्म होता है कि नहीं. तो बिल्कुल होता है. हम लोग ने बोर्ड पर एक चीज लिखा है कि व्हाट इज रेसिस्टिविटी, एक क्वेश्चन है आपके लिए. मैंने उसका आंसर भी दे दिया है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि आजकल सब लोग हैंड टू हैंड हर चीज आसानी से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी आसानी से देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आसानी से आपकी तरफ एक हमारा प्रयास है और इस प्रयास को सक्सेसफुल बनाने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें कि हम इसको और बेहतर कर सकें. ठीक है, रेसिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ द वैल्यू इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग मटेरियल. यानी कोई करंट कैरिंग मटेरियल है, यानी कोई मटेरियल जो करंट फ्लो उसमें से हो रहा है, ठीक है, तो उसमें रेसिस्टिविटी क्या है. रेसिस्टिविटी एक मेजर है, यानी हम लोग एक माप कह सकते हैं इसको, एक माप है उस वैल्यू का, उस मान का, जो कि बराबर किसके है, उस अनुपात के जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, थिकनेस ऑफ द वायर. ठीक है, वायर की थिकनेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यानी वायर का गर्थ कितना है, कितनी मोटी वायर है. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टेंस, और देखिए हमने यहाँ एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, हमने कहा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी जितना लंबा वायर करिएगा उतना ही रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा. जैसे रेसिस्टेंस का वर्क क्या होता है, रेसिस्टेंस का वर्क होता है कि करंट के फ्लो को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना. ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है, एक पतला सा वायर लिए यहां से लेकर खींच दिए, मतलब आपके गांव के, आप गांव में हैं या शहर में, शहर के दूसरे एंड तक खींच दिए और एक बल्ब लटका दिए, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो वो बल्ब नहीं जलेगा, जबकि वायर में कोई डिफेक्ट नहीं है, ना ही सोर्स में डिफेक्ट है. ठीक है, कहीं डिफेक्ट नहीं है, लेकिन वो बल्ब नहीं जलेगा. क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो जो है बीच में ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, वो रुका रहेगा. ठीक है, और जिसके चलते करंट तो बताएगा, यानी आप जब टेस्टर से इंडिकेटर से यूज करके आप जब चेक करिएगा तो करंट तो बताएगा उस वायर में, बट इट विल नॉट ग्लो द बल्ब, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो इसका रीजन क्या है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी जितना लंबा वायर कीजिएगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जितना घटाइएगा रेसिस्टेंस घटेगा. ठीक, अब आते हैं यहां. रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इनवर्सली का रिलेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए सेकेंड क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरा पहला वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा. अगर मान लेते हैं कि हम सेकेंड क्वांटिटी को जिससे तुलना कर रहे हैं सेकेंड क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो पहला वाला क्वांटिटी घट गया. अगर सेकेंड क्वांटिटी को घटा देते हैं तो पहला वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहां बढ़ा रहे थे तो उधर वाला घट जा रहा था. तो जैसे यहां पर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दीजिएगा तो जगह ज्यादा रहेगा तो चार्ज का कंडक्शन आसानी से होगा. जैसे एक रूम है, ठीक है, उसमें कैपेसिटी है कि 10 आदमी बैठ सकते हैं, ठीक है, और उसमें 1000 आदमियों को बैठा दिया जाए तो कैसा होगा, एक पे एक चढ़कर एक दूसरे पर बैठ जाएंगे. ठीक है, यही प्रॉब्लम होगा एक वायर के संग, जब उसमें ज्यादा ओवरलोड ऑफ चार्जेस होगा तो उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तार जलने का खतरा भी हो सकता है. ठीक है, तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जितना बढ़ाइएगा तार का गर्थ, जितना ही मोटा होगा उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा. ठीक है,
इसीलिए हम पतले से केबल से मोटर नहीं चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक हैवी केबल आता है और उस हैवी केबल से ही मोटर हम चला पाएंगे। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। देखिए यहीं पर पता चल जाएगा कि ये जो रेशियो हमने लिखा है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहीं पता चल जाएगा। देखिए तो कहने का मतलब है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट सेकंड दो हो गए, दो एक इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, तो जैसे ही कंबाइन करेंगे तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ये लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो वन से मल्टीप्लाई, कोई भी प्रोडक्ट अगर होता है तो उतना ही रह जाता है, वो चाहे नंबर हो या कोई लिटरल वैल्यू हो। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम जानते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे क्या लिखा, R इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए, यहाँ रो जो है एक कांस्टेंट है, लिखा है मैंने कि रो इज अ, वेयर रो इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यही रो जो है रेसिस्टिविटी है, ये जो रो मैंने लिखा है ये रेसिस्टिविटी है, और इसका मतलब होता है अगर इसका वैल्यू निकाल लें तो इसका वैल्यू हो जाएगा रो इज इक्वल R into A upon L, जो कि आपके इस टर्म को डिफाइन करता है। कहा ना मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ यानी अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, देखिए लेंथ ऑफ करंट कैरिंग मटेरियल, ठीक नहीं, तो ये प्रूव हो गया। ठीक, अब हम लोग इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लो। We have already make you known, आपको मैंने बताया कि किस तरीके से रो का रिलेशन रेसिस्टेंस के साथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ होता है। ठीक है, तीन फॉर्मूला यहां से देखिए, गिनना शुरू कीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि R इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए, ये पहला फॉर्मूला हुआ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर है, तीसरा फॉर्मूला यहां पर है, लेंथ इज इक्वल आर इंटू ए अपॉन रो। ये मैं इसको क्या किया मैंने कि लेंथ को इधर लेके चला गया, रो को इधर लेके चला गया। अब आइए यहाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल रो इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन आर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये एल को इधर लेके चला गया, आर को नीचे लेके चला आया यहाँ। ठीक है, तो बन गया ये थी यहाँ पर जो लास्ट फॉर्मूला है ये डिराइव हो गया। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि रेसिस्टिविटी को किस तरह के यूनिट से डिनोट किया जाता है, क्योंकि यूनिट होना जरूरी है। ठीक है, तो यूनिट बेटा देखिए, सबसे पहले रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से डिफाइन होता है, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को लेंगे, तो यहां पे मैंने लिखा कि रो इज इक्वल आर इंटू ए अपॉन एल, हो गया ना। अब मान लेते हैं कि रो को हम लोग लिखते हैं इंप्लाई डेट रो इज इक्वल, मान लेते हैं इसको 1 ओम लेते हैं, 1 ओम, ठीक है, 1 ओम इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर। ठीक है, तो यहां मीटर स्क्वायर मीटर है, मीटर से मीटर स्क्वायर डिवाइड होगा तो क्या होगा, मीटर बचेगा, तो कितना हो गया, यानी 1 रेसिस्टिविटी का जो मतलब कि 1 ओम मीटर, 1 ओम मीटर। ठीक है, यानी ओम इंटू मीटर, हम लोग मान लेते हैं कि ए बी लिखते हैं तो कहते हैं ना कि ए इंटू बी, ठीक है, या एक्स वाई लिखते हैं तो कहते हैं ना कि एक्स इंटू वाई, ठीक है, उसी तरीके से ये है 1 ओम मीटर। कहने का मतलब है कि ये आपका यूनिट है, ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट टू डिफाइन, ठीक है, सेंस या सेंस कहिए, देयरफॉर कहिए, देयरफॉर ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से
हम लोग आगे की थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे की थ्योरी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ओम मीटर में एसआई यूनिट तो रेसिस्टिविटी है, लेकिन वन ओम मीटर क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि व्हाट इज वन ओम मीटर, वन ओम मीटर क्या है। तो वन ओम मीटर में हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो लेट मी क्लियर द बोर्ड, पहले हम लोग बोर्ड क्लियर कर लें, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट इज वन ओम मीटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इन शॉर्ट मतलब दो नंबर में अगर पूछ दिया सीबीएसई अगर आपसे कि वन ओम मीटर क्या है, ठीक है, क्योंकि एक बार आ चुका है 2008 में, 2012 में दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो अगर पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज वन ओम मीटर, वन ओम मीटर क्या है, ठीक है, तो वन ओम मीटर, अभी मैंने आपको थोड़े देर पहले रेशियो बताया है कि जो रेसिस्टिविटी यहाँ पर मतलब कि रो जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, ये होता है। तो हम उसी के बराबर ना लिखेंगे इसके ऐसा यूनिट को। तो वन ओम मीटर रेफर्स टू द रेशियो इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ओम ऑफ रेसिस्टेंस, यानी एक ओम रेसिस्टेंस जो है एक मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक ओम रेसिस्टेंस एक मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, अपॉन अपॉन लेंथ, वन मीटर लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग मटेरियल, यानी जो करंट कैरी कर रहा है मटेरियल, अपॉन एक मीटर उसका लेंथ। जब हम इस रेशियो को लेंगे तो इस रेशियो से डिराइव आउट होकर हम थोड़े देर पहले ही इससे प्रीवियस में इसी वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से वन ओम मीटर डिराइव करते हैं, और ये है डिफिनीशन उसका कि वो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। अगर कह दिया कि लॉजिकली लिखिए इसको, थ्योरेटिकली लिखिए, पेन डाउन कीजिए, ठीक है, तो पेन डाउन कैसे करेंगे, तो पेन डाउन ऐसे करेंगे, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट टू एनीबॉडी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये हमारा जो है ये टर्मोनोमीटर रेफर्स टू द रेशियो इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ओम अपॉन रेसिस्टेंस विथ वन मीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन वन मीटर लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग मटेरियल। आगे दो टॉपिक्स हैं आपके, जूल हीटिंग इफेक्ट है और एक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम लोग कल के क्लासेस में डील करेंगे। फॉर टुडे थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस डे, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक एंड